मुठभेड़ के दौरान गायब सीआरपीएफ के जवान की नक्सलियों ने हत्या कर सबको दफनाया। नक्सलियों ने मुठभेड़ के दौरान जंगल में स्पाइक हॉल्स और आईडी लगा रखे थे, पता है। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये खास तैयार किया गया रिपोर्ट। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू की नक्सलियों ने हत्या कर उसके शव को जंगल में दफना दिया है। दरअसल जनवरी 2023 में चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाई जा रही थी और इसी क्रम में मुठभेड़ हो गया था। हालांकि इससे पहले ये बता दें कि नक्सलियों ने भी पहले से ही तैयारी कर रखा था, जिसमें कि जंगलों में जगह जगह पर स्पाइक हॉल्स और आईईडी लगाया था। इसी को लेकर पुलिस और नक्सलियों के बीच जब मुठभेड़ हुई तब सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू इसी जाल में फंस गए और नक्सलियों ने आसानी से उसे अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया है। इसकी जानकारी अब सामने निकलकर आने लगी है। हाल ही में नक्सलियों के टेलीफोनिक बातचीत के दौरान यह बात पुलिस पदाधिकारियों को सुनने को मिला है। बताते चले कि पुलिस पदाधिकारी इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं कर रही है कि अब तक बादल मुर्मू का शव बरामद नहीं हो पाया है। अब ये बात भी सामने कैसे आ रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाल ही के दिनों में अभी चाईबासा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा एक नक्सली का कॉल इंटरसेप्ट किया गया था। वे नक्सलियों को अपने साथी नक्सलियों से मोबाइल पर बात करने के क्रम में ये कहते हुए सुना, जवान को कब्जे में रखा गया था, उसकी हत्या कर सब कुछ भी बादल मुर्मू के जीवित होने की खबर आ रही थी, लेकिन जब इस्तेता जांचने की कोशिश की तब बादल मुर्मू के जीवित होने की बात सामने नहीं आई। अब आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू की हत्या होने की आशंका क्यों जताई जा रही है। दरअसल बिहार झारखंड के स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इसमें उन्होंने बताया है कि जब भी किसी अभियान के दौरान हत्या की जाती है तब उसकी राज को छुपाई जाती है, पता है। बिहार झारखंड के स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद के अनुसार ये माना जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू की हत्या हो चुकी है और उसका शव जिस प्रकार से पहले बताया गया कि हत्या कर शव को दफना दिया गया है, तो ये मान लिया जाए कि शव को भी जंगल में दफना दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू कौन थे। बता दें कि सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू सरायकेला जिले के राजनगर का रहने वाला था और उसके घर में उसकी पत्नी व उसके एक बच्चे भी हैं और उनके माता पिता के अलावे उनके भाई भी हैं, जो अब भी बादल मुर्मू के जीवित होने और वापस लौटने के इंतजार में हैं। तो चलिए फिलहाल ये तो था बादल मुर्मू से जुड़ी जानकारी, लेकिन हमने इस विषय को लेकर आज चाईबासा पुलिस के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर से जानने का कोशिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बादल मुर्मू को लेकर थाने में एक मामला दर्ज है जो लापता से जुड़ी मामला है और अब तक बादल मुर्मू को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हालांकि आशुतोष शेखर ने यह भी बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रहेगी और अब तक के अभियान में नक्सलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है, नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त किए गए हैं, नक्सलियों के कई हथियार बरामद